हाँ भाई देखे, आज अपने पास में एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू माइनस पाई आयोटा या प्लस पाई आयोटा है, और यहाँ जो सी है एक माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मॉड जेड इक्वल टू वन है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको जो चाप है ये दे दिया गया है, मॉड जेड इक्वल टू वन है। तो ये आपको चाप है मॉड जेड इक्वल टू वन। तो देखिए, सबसे पहले तुम लोग क्या करेंगे, इसको चरघातांक के रूप में लिख लेते हैं। यहां से मॉड जेड इक्वल टू वन है तो जेड को हम चरघातांक के रूप में लिख लेंगे। और इसके लिए हम जानते हैं भाई, जैसे ही मॉड जेड इक्वल टू आर होता है तो इसको चरघातांक के रूप में आप लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। भाई मापांक तो यहाँ है आर, और कोणांक अगर थीटा होता है सम्मिश्र संख्या को, तो फिर उसको आप चर घातांक के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, आर ए की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ अगर कोणांक थीटा है तो जेड इक्वल टू हो जाएगा आर का, मतलब जो मापांक है वो तो वन हो चुका है, तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा। और इसका अवकलन अगर कर देंगे हम लोग तो डी जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा का अवकलन ई की पावर आयोटा थीटा, और फिर आयोटा थीटा का हो जाएगा आयोटा थीटा का डी थीटा। ठीक है भाई, अब देखिएगा आपको जो काया चाप लेना कौन सा है, माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप। तो सबसे पहले तो आप वृत्त बना लीजिएगा। ये जो मोड जेड इक्वल टू वन है एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है जिसका केंद्र जीरो जीरो और त्रिज्या वन इकाई है। तो सबसे पहले हम मूल बिंदु को केंद्र मान करके इकाई त्रिज्या का ये वृत्त बना देंगे। वृत्त बना दिया तो यहां पर बताइए इकाई त्रिज्या का वृत्त है, इसका मतलब ये प्लस वन होगा, ये जीरो, और ये वाला जो बिंदु है ये माइनस वन हो जाएगा। भाई बाईं तरफ नेगेटिव लेते हैं तो ये माइनस वन हो जाएगा आपके पास में। सपोज ये आपके पास में एक बिंदु है ए, ये है बी, और ये आपका सी और ये डी। तो देखिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन में तो कहा यदि माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के ऊपर ले लिया जाए, तो यदि चाप सी माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के ऊपर अर्धवृत्तीय चाप है, तो यदि चाप सी माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के ऊपर अर्धवृत्तीय चाप है तो थीटा इक्वल टू लिमिट जो देखना थीटा का वो देखिए क्या बनेगा। भाई माइनस एक यहां पर है और माइनस एक जैसे ही होगा जाएगा तो बताओ ये वाला जो कोण बनेगा पूरा पाई हो जाएगा आपके पास में, और जब प्लस एक की बात करेंगे तो फिर एक्स अक्ष का जो एक्स अक्ष के साथ में कोण है ये जीरो रहेगा। तो थीटा इक्वल टू पाई से थीटा इक्वल टू जीरो तक होगा। अब इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा भाई। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू, इसको हल करिए, वैल्यू पुट करिए जेड का सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन जेड वन अपॉन जेड, अब जेड है ई की पावर आयोटा थीटा, तो वन अपॉन जेड का मतलब हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और फिर डी जेड, तो डी जेड आपके पास में आ गया आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और जो थीटा का लिमिट है ये आपके पास में आ गया पाई से जीरो, तो लिमिट पाई टू जीरो। इसके बाद में देखिए भाई, आयोटा तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और ई की पावर आयोटा थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वन बन जाएगा। तो आपके पास में बचेगा इंटीग्रेशन, लिमिट आपके पास में है पाई टू जीरो डी थीटा। तो आयोटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं भाई, थीटा होता है और लिमिट इसका है पाई से जीरो, तो लिमिट पाई टू जीरो। देन आयोटा, इसमें अपर लिमिट आपके पास जीरो हो गई, माइनस लोअर लिमिट पाई आ गई, तो जीरो माइनस पाई से आ जाएगा माइनस पाई आयोटा। तो देखिए, जैसे ही आपने चाप माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के ऊपर लिया है तो आपके पास में जो इंटीग्रेशन है ये आ गया माइनस पाई आयोटा। इसी प्रकार से चाप को हम लिख सकते हैं माइनस एक से प्लस एक तक वास्तविक अक्ष के
नीचे अर्धवृत्तीय चाप। तो अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, वास्तविक अक्ष के ऊपर लिया था, अब की बार ले लेंगे हम नीचे, ठीक है। ये ऊपर के लिए हो गया था, अब नीचे के लिए मैं कर रहा हूँ। तो नीचे जब लेंगे तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, नीचे का मतलब इस प्रकार से होगा, चाप ये वाला लेना आपको। तो ये वाला चाप जब लेंगे तो बताओ भाई माइनस एक पर तो जो थीटा का मान है ये क्या हो चुका है, पाई होगा यहाँ पर। तो और जैसे ही प्लस एक पर पहुँच जाएंगे, प्लस एक पर पहुँचने का मतलब ये पूरा राउंड आपने कंप्लीट कर लिया, तो बताओ थीटा फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू पाई। तो जो लिमिट आपके पास में होगा ये पाई से टू पाई तक हो जाएगा फिर, तो यहाँ जो लिमिट होगा पाई से टू पाई तक हो जाएगा। और जैसे ही लिमिट पाई से टू पाई अप कर देंगे, बाकी तो सेम रहेगा, बस लिमिट चेंज होगा केवल। तो लिमिट को पाई से टू पाई कर दीजिएगा, तो यहाँ ये जीरो की जगह लिमिट टू पाई हो जाएगी। फिर यहाँ लिमिट जीरो के स्थान पर क्या कर दोगे आप लोग, टू पाई कर दोगे, तो फिर ये हो जाएगा टू पाई माइनस पाई, जो कि क्या जाएगा प्लस आयोटा। तो ये लीजिएगा, देखो जैसे ही आप नीचे की ओर लेते हैं तो आपके पास में जो इंटीग्रेशन है ये आ गया पाई आयोटा। तो एक्स अक्ष से वास्तविक अक्ष से ऊपर की ओर चाप अगर लेंगे माइनस एक से प्लस एक तक, तो इंटीग्रेशन माइनस पाई आयोटा आएगा। और अगर वास्तविक अक्ष के नीचे अगर आप लेंगे तो जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में आ जाएगा पाई आयोटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू टू पाई आयोटा, जहां सी का समीकरण मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर है। देखिए भाई आपको क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन सिद्ध करना है कि टू पाई आयोटा होगा, जिसके लिए आपको दिया हुआ मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ये आपके पास में चाप सी है। देखिए सबसे पहले अगर आप मोड जेड माइनस ए इक्वल टू आर को अगर देखेंगे तो ये एक वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र ए है और त्रिज्या कैपिटल आर है। सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मापांक कटाएंगे, और मापांक कटाने के लिए जेड माइनस ए इक्वल टू आर। देखिए जैसे ही किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक आप हटाते हैं तो उसके साथ में कोणांक और लिखा जाएगा, जिसको हम चरघातांक के रूप कहते हैं। तो कोणांक अगर थीटा हो तो फिर जेड माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी चरघातांक की रूप इसको कहते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या का। तो जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ जो थीटा है इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा जीरो से टू पाई होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का समीकरण होता है और वृत्त के अंदर थीटा आप जानते हैं जीरो से टू पाई होता है। इसका अवकलन अगर आप लोग कर देंगे तो डी जेड इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, आर यहाँ कांस्टेंट है, ई की पावर आयोटा थीटा का अवकलन करिए, ई की पावर आयोटा थीटा, इसके बाद आयोटा थीटा का करेंगे तो आयोटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए भाई जो थीटा का लिमिट है ये तो आपके पास में हो गया जीरो से टू पाई, तो थीटा का जो लिमिट है ये तो आप कर देंगे जीरो से टू पाई। और फिर है डी जेड, तो डी जेड का वैल्यू पुट करिए आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा अपॉन जेड माइनस ए, और जेड माइनस ए का वैल्यू पुट करिए यहाँ से आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आपके पास में जीरो से टू पाई है भाई, और आर ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा कैंसिल, आयोटा यहाँ कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख देंगे हम, तो बचे आपके पास में डी थीटा इक्वल टू आयोटा कॉन्स्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं थीटा होता है और लिमिट इसका जीरो से टू पाई है, तो इक्वल टू आयोटा अपर लिमिट आपके पास में आ गया टू पाई और माइनस लोअर लिमिट आपके पास में हो गया जीरो, और टू पाई माइनस जीरो को आप लोग सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास में इंटीग्रेशन आ गया टू पाई आयोटा। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल है कि जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू फोर प्लस टू आयोटा तक समाकल इंटीग्रेशन ऑफ जेड बार डी जेड का मान ज्ञात कीजिए, जहां वक्र सी निम्न प्रकार से लिया गया है। फर्स्ट जेड इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टी। तो देखिए करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले अब तो हम लोग जानते हैं कि जो जेड होता है ये आपके पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन इंटीग्रेशन हमें यहाँ करना है जेड बार का, तो जेड बार भी आप लोग जानते हैं जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, और तो जो डी जेड होता है ये डी जेड आपके पास में हो जाता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, इसका अवकलन जैसे आप लोग कर देंगे तो ठीक है। अब देखिए नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, तो जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, इसका मतलब क्या होगा भाई, देखिए
हम जानते हैं कि जेड तो एक्स प्लस आयोटा वही होता है, लेकिन दिया गया ये वाला है आपको। तो कंपैरिजन अगर करें दोनों के बीच में तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर मिलता है आपको, और काल्पनिक भाग देखें तो वाई इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा टी। और इनका अवकलन जैसे आप लोग करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी और डी वाई इक्वल टू डी टी, ठीक है भाई। और टी का जो लिमिट है वो हम यहाँ से देखते हैं अब क्या होगा। तथा देखिए जो लिमिट आपको दिया हुआ था जेड इक्वल टू जीरो से दिया गया था, तो जैसे ही जेड इक्वल टू जीरो हम लोग करेंगे तो टी का वैल्यू क्या होगा भाई, ध्यान दे रहा यहाँ पर देखिए जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। तो एक्स को जीरो करिए वाई को जीरो करिए तो आप देखेंगे टी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आपके पास में था जेड इक्वल टू फोर प्लस टू आयोटा है, तो जैसे ही जेड इक्वल टू फोर प्लस टू आयोटा हम लोग करेंगे तो टी इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान देना भाई। भाई यहाँ पर जेड तो एक्स प्लस आयोटा वही होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू फोर वाई इक्वल टू टू। तो यहाँ से देखें अगर कंपेरिजन करें तो देखो एक्स का वैल्यू कितना आया फोर, तो यहाँ फोर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू फोर, और वाई का वैल्यू टू आया तो टी इक्वल टू टू। इसका मतलब जो टू टी का वैल्यू है ये आपके पास मिल जाएगा टू, ठीक है। और टी भी मिल गया तो अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड बार डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन भाई जेड बार को आप लोग क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई, अभी देखा हमने। और जो डी जेड है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई होता है, तो इसको लिख दीजिए डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन सबसे पहला एक्स है तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आयोटा वाई इक्वल टू टी, और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई तो डी एक्स टू टी डी टी और डी वाई डी टी, दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो डी टी कॉमन आ जाएगा। और डी टी जैसे ही कॉमन आ जाएगा तो देखिए यहाँ से आपके पास में आएगा टू टी और प्लस ये आयोटा डी वाई जो था डी टी था, तो डी टी हम कॉमन ले चुके हैं तो बस केवल आयोटा बचे आपके पास में डी टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई, तो मैं इधर से हटा देता हूँ एक बार। तो इक्वल टू अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग एक बार, तो वास्तविक भाग जो आता है वो लिख लेते हैं हम लोग। वास्तविक भाग आएगा जब टी स्क्वायर को टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टी क्यूब, इसके अलावा एक बार जब माइनस आयोटा टी को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो माइनस आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी डी टी। इसके अलावा दूसरा जो काल्पनिक भाग है उसको हम लोग लिख लेंगे, उसको हटा दूंगा एक बार। तो काल्पनिक भाग को देखिए भाई, काल्पनिक भाग का मतलब आयोटा वाला जो टर्म्स है वो आपको लिखना है, तो आयोटा को हम कॉमन ले लेते हैं। ये लिमिट आपके पास में जीरो से टू होगा क्योंकि टी का मान जीरो से दो तक आया था, तो ये लिमिट आपका जीरो से टू है, ठीक है। और अब देखिएगा इसको भी हटा दूंगा एक बार, काल्पनिक भाग देख रहे थे आयोटा वाला टर्म्स कब बनेगा ध्यान देना। एक बार तो माइनस आयोटा टी है, इसको आप टू टी से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा माइनस टू आयोटा टी स्क्वायर, और एक बार जब ये टी स्क्वायर जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस आयोटा टी स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस आयोटा बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से बचेगा टी स्क्वायर डी टी, और जो टी का लिमिट है ये आपके पास में होगा जीरो से टू। अब इसको हटा देते हैं हम लोग एक बार, देखिए भाई क्या बनेगा, इक्वल टू यहां से इंटीग्रेशन करिए दो तो कांस्टेंट है टी क्यूब का होगा वन अपॉन फोर टी की पावर फोर, लिमिट होगी जीरो से टू प्लस टी का हो जाएगा वन अपॉन टू टी स्क्वायर, लिमिट आपके पास जीरो से टू आएगा माइनस आयोटा टी स्क्वायर का होगा वन अपॉन थ्री टी क्यूब, और लिमिट आपके पास में जाएगा जीरो से टू। इसको सॉल्व करेंगे तो दो बटा चार से जाएगा एक बटा दो, अपर लिमिट टू करोगे तो टू की पावर फोर यानी कि सिक्सटीन, माइनस लोअर लिमिट जीरो कर दोगे तो जीरो के पावर फोर से जीरो आ जाएगा, प्लस वन अपॉन टू
टी स्क्वायर, तो अपर लिमिट 2 करेंगे तो 2 का जो स्क्वायर है 4 माइनस 0 माइनस आयोटा अपॉन 3, अपर लिमिट 2 करोगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस 0 की पावर 3 से 0 आ जाएगा। तो अभी आपके पास में जाएगा 8 प्लस ये 2 और माइनस 8 अपॉन 3 आयोटा, तो 8 प्लस 2 यानी कि 10 माइनस 8 अपॉन 3 आयोटा। ये आ गया भाई इंटीग्रेशन z बार dz का, जब z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t है। अब हम करेंगे इसका सेकंड b। इसमें देखिएगा जो इंटीग्रेशन का पथ है वो आपको दिया हुआ है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 आयोटा तक रेखा, और उसके बाद z इक्वल टू 2 आयोटा से z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा तक रेखा। तो ध्यान दीजिए भाई किस प्रकार से होगा इंटीग्रेशन का जो पथ है वो, ध्यान दो ध्यान से। z इक्वल टू 0 से, तो z इक्वल टू 0 का मतलब तो मूल बिंदु हो गया भाई 0 0। अब यहाँ से z इक्वल टू 2 आयोटा तक, तो देखिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा वही जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिंदु x y के द्वारा। तो यहाँ z इक्वल टू 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखे तो 0 प्लस 2 आयोटा ही लिखेंगे ना। तो इसको यहाँ पर किसके कौन से बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0 2 के द्वारा ना। तो इसको बिंदु 0 2 से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला बिंदु आ गया आपका 0 2 जो कि सम्मिश्र संख्या 2 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आ गए ओ से ए तक। इसके बाद में पढ़िए देखो, उसके बाद जेड इक्वल टू 2 आयोटा यानी कि बिंदु ए आ गया 0 2, यहाँ से जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा तक। अब 4 प्लस 2 आयोटा का मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 4 2, तो सपोज ये वाला पॉइंट है आपके पास में 4 2, तो ए से पी तक ये लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का पथ हो गया ओ से ए तक है, फिर ए से पी तक है। अब ओ से ए की अगर हम बात करें तो ओ ए पर भाई, ओ ए जो है काल्पनिक अक्ष पर है यानी कि वाई अक्ष पर है, और इस वाई अक्ष पर आप लोग जानते हैं एक्स का जो मान है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 0। एक्स इक्वल टू 0 होने का मतलब जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आयोटा वाई। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, एक्स को 0 कर दोगे तो जेड इक्वल टू आयोटा वाई। तो डी एच ये जेड आया, लेकिन हमें चाहिए जेड बार, तो जेड बार क्योंकि इंटीग्रेशन हमें जेड बार का करना है, तो जेड बार को जो भी चेक कर लीजिएगा, जेड बार क्या हो जाएगा भाई, एक्स को 0 कर दोगे तो जेड बार इक्वल टू माइनस आयोटा वाई। तो ये जेड बार इक्वल टू आ गया माइनस आयोटा वाई। और डी जेड, अब एक्स इक्वल टू 0 है तो डी एक्स इक्वल टू भी 0 होगा, तो इसमें डी एक्स को 0 कर दोगे तो डी जेड आपके पास बचेगा आयोटा डी वाई, ठीक है। ये आ गया, और इसमें जो y का मान है वो आप देख सकते हैं 0 से 2 तक है, तथा y का मान 0 से 2 तक है, y का मान 0 से 2 तक है। इसके बाद में हम बात करेंगे बिंदु A से बिंदु P तक की। तो बिंदु A से बिंदु P तक की अगर हम चर्चा करें तो AP पर देखिए अब क्या होगा, एपी पर, एपी को आप देख सकते हैं वास्तविक अक्ष के समांतर है, वास्तविक अक्ष मतलब एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के समांतर है। अब एक्स अक्ष के समांतर इसका मतलब इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वाई का जो मान होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास में क्या है यहाँ 2। तो यहाँ वाई इक्वल टू 2 आ गया, तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए जेड बार को देखिए भाई क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू, जेड बार है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक्स को तो आप एज इट इज लिख दीजिएगा, वाई का वैल्यू आपके पास में 2 आ गया तो ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। और डी जेड इक्वल टू देखिए भाई डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, अब चूंकि डी वाई 0 हो गया तो डी जेड इक्वल टू आपके पास में आ गया डी एक्स, तथा एक्स का जो मान है वो भी यहाँ देख लीजिएगा, तथा एक्स का मान, एक्स का जो मान है ये यहाँ 0 से 4 तक है, तो एक्स का मान 0 से 4 तक है, ठीक है। ये लिमिट हमने फाइंड कर लिया, और अब वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, या ऊपर से बैठा देता हूँ।
तो देखिए भाई, इसलिए इंटीग्रेशन आपको करना था जेड बार डी जेड का इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए तो देखो ये इंटीग्रेशन दो भागों में डिवाइड हो चुका है। पहला भाग अगर हम देखें तो ओए पर है, जिसमें जेड बार इक्वल टू हो गया माइनस आयोटा वाई, माइनस आयोटा कांस्टेंट है तो वाई, और डी जेड इक्वल टू आपके पास में है आयोटा डी वाई, तो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा, तो माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा भाई, तो ये बचेगा वाई डी वाई, और लिमिट आपके पास में जो है ये आपके पास आएगी 0 से 2, तो लिमिट को कर दीजिएगा 0 से 2। प्लस सेकंड पार्ट अगर हम देखें इंटीग्रेशन का, तो यहाँ जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस टू आयोटा, तो एक्स माइनस टू आयोटा, और डी जेड, डी जेड इक्वल टू आपके पास में आ गया डी एक्स, इसके अलावा जो एक्स का मान है 0 से 4 है, तो ये एक्स का वैल्यू आपने पुट कर दिया 0 to 4। सॉल्व करिए, वाई का जो इंटीग्रेशन है 1/2 y² लिमिट 0 से 2, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस टू आयोटा तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट आ गई 0 to 4। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको हटा देते हैं हम लोग एक बार, तो देखिए भाई अब क्या बनेगा, 1/2 अपर लिमिट 2 करोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, प्लस यहाँ करिए भाई अपर लिमिट 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर जो होगा 16/2 माइनस यहाँ x का वैल्यू 4 करोगे तो 8 आयोटा, और जैसे ही 0 कर देंगे तो फिर 0 बन जाएगा, तो ये 4/2 से आ जाएगा 2 प्लस 8 माइनस 8 आयोटा, 2 + 8 यानी कि 10 माइनस 8 आयोटा, ये आ गया आपके पास में इंटीग्रेशन।